नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन माई थी मिश्रा में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपने लाए प्रोटीन से भरपूर और साथ में यमी यमी एंड टेस्टी, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे सोया चंक से उसका मंचूरियन, जो रेस्टोरेंट में आप लोग जाएंगे तो ज़्यादातर सभी को मिलेगा। साथ में आप लोग शादी में अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको मंचूरियन खाने को मिलता है और बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज उसी हम क्या कहते हैं मंचूरियन को आज हम घर पे बनाना बताएंगे। तो इसी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बड़ा बाउल करीब सोया चंक का, जो महीन वाला बुरादा आता है वो हमने लिया है। अगर नहीं है तो आप सोया चंक बड़े वाले उसका आप छोटा छोटा कूट कर आप इस तरीके से फाइन पाउडर टाइप का बना सकते हैं। फिर हमने उसमें इतना पानी डाला है ये काफ़ी अच्छे से डीप हो जाए, भीग जाए। साथ में हमने यहाँ पे लिए दो शिमला मिर्च, जहाँ पे हमें एक शिमला मिर्च को हमें इस तरीके से लंबा लंबा कट करना है और एक शिमला मिर्च को हमें फाइन कट करना है। तो यहाँ पे हम शिमला मिर्च का बीच वाला पार्ट निकाल कर उसको हम इस तरीके से लंबा लंबा कट कर ले रहे हैं। शिमला मिर्च तो बहुत ही अच्छी लगती है, कैप्सिकम अगर ना हो किसी भी चीज़ में और साथ में चाइनीज़ फूड में कैप्सिकम का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेके आता है। तो यहाँ पे हमने जल्दी 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 हमने इसको कट कर लिया है। अब आती है दूसरी कैप्सिकम कट करने का, तो इसी तरीके से आपको लंबा कट करना है। ध्यान रहे कैप्सिकम कट करना है, हाथ नहीं कट करना है। मेरी तरह आप जल्दी जल्दी ट्राई मत कीजिएगा, मेरी तो आदत है कटने की। अब यहाँ पे एक कैप्सिकम हमने लिया है जिसको हमें बिल्कुल फाइन कट करना है, इस तरीके से हमें छोटा 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 कट करना है। तो यहाँ पे दो कैप्सिकम हम दो तरीके से काट रहे हैं, उनका क्या यूज़ होगा कैसे करेंगे अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने कैप्सिकम कट कर लिए, जो फाइनली हमने कट की थी उसको अलग कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पे छोटे छोटे वाले प्याज लिए, अब मेरे पास अभी छोटे वाले थे, जो सांभर वाले प्याज होते हैं वो थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इन छिलकों को मैं वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इनको प्लांट पे अक्सर डाल देती हूँ, जिससे क्या कहते हैं फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से निकलते हैं और प्लांट को फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है और हमारे अनियन के छिलके में फॉस्फोरस पाई जाती है, जो पेड़ों को बहुत ही लाभदायक होती है। तो यहाँ पे हमने छोटे वाले क्या कहते हैं प्याज लिए, जिनको बीच से कट करके इस तरीके से उसकी पेटल्स को अलग कर लिया है। अगर आपके पास बड़े वाले प्याज है तो आप उसको क्या कहते हैं इस तरीके से चार हिस्से कर आप उसकी पेटल को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने करीब चार छोटे वाले प्याज लिए हैं, जिनके हमने पेटल को इस तरीके से अलग कर लिया है। बाकी जो प्याज रह जाएगा उसको भी हमें कैप्सिकम की तरह फाइन बिल्कुल चॉप करना है। तो यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। साथ में हम यहाँ पे थोड़ी सी अदरक ले रहे हैं, करीब 3 से 4 इंच की हमें अदरक लेनी है। मेरे पास गार्लिक नहीं है, अगर आपके पास गार्लिक है तो आप गार्लिक का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे गार्लिक पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास गार्लिक है तो आप 7 से 8 गार्लिक की कलियाँ लेकर उसको फाइन चॉप करके रख सकते हैं। और साथ में अदरक का हमें क्या कहते हैं पेस्ट बना लेना है, और नहीं तो हम क्या कहते हैं अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कहते हैं सोया चंक काफ़ी अच्छे से पानी को सोख कर लिया है, हमने उसको इसमें कैप्सिकम और अनियन जिसमें डाला था उसमें डाल दिया है। साथ में हमने अदरक थोड़ी सी इसमें डाल दी जिसको मैंने कद्दूकस किया है, और करीब 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने डाला है लाल मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो डाला है। 1/2 टेबल स्पून ने यहाँ पे सॉल्ट डाला है। साथ में हमने थोड़ा सा 1/2-4 टेबल स्पून हमने गरम मसाला का यूज़ किया है। साथ में हमने 2 टेबल स्पून हमने बेसन का यूज़ कर रहे हैं, चना पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमने 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर डाला है और थोड़ा सा हमने मैगी मसाला डाला है। और इन सबको हमें क्या करना है अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे जैसे आप इन सबको मिक्स करेंगे देखिएगा आपस में काफ़ी अच्छे से ये बाइंड होने लगेगा।
तो यहाँ पे इसे और अच्छे से ये बाइंड हो, और साथ में हम इसकी गोलियाँ छोटी छोटी बनाएंगे और ऑयल में ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम थोड़ा सा हल्का सा करारापना लाने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डाल लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लावर डालकर हमने इसकी गोलियाँ इस तरीके से हमें इसकी गोलियां बनानी होंगी छोटी, जैसे मंचूरियन बॉल होती है, हमें उसी तरीके से इसकी गोलियां हमें हाथों से हल्के हाथों से इस तरीके से बनानी है, ताकि क्या कहते हैं काफ़ी बढ़िया से ये फ्राई हो और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगे। आज का ये मंचूरियन ना प्रोटीन से भरपूर है, इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा और साथ में आपको तो पसंद ही आएगा, क्योंकि सब लोग इस मंचूरियन को ज़रूर बाहर खाते हैं, पर घर पे आपने बनाया होगा दूसरे तरीके से बनाया होगा। इस तरीके से आप लोग इसको बना कर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। जिसे सोयाबीन का क्या कहते हैं मंचूरियन नहीं पसंद है, उसको भी पसंद आएगा, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाएगा ये किस चीज़ का है, और उसे बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हमने सबकी बॉल बना ली है, जितना भी था हमारे पास मटेरियल, और इसको हम फ्रिज में करीब 15 मिनट के लिए रख देंगे, काफ़ी अच्छे से ये एडजस्ट हो जाए। 15 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे, फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल काफ़ी अच्छे से जो गरम हो चुका है, अब इसमें हम एक एक कर सोया चंक की बॉल डालेंगे और इसको हम अच्छे से डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक की भूनेंगे, ताकि काफ़ी अच्छे से अंदर तक की पक जाए, बहुत अंदर से क्या कहते हैं बढ़िया सा भुन जाए, और ये खाने में बहुत ही टेस्ट लगे। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, आप मंचूरियन नहीं बनाना चाहते, आप इस तरीके की आप बॉल बनाकर आप उनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक के साथ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। आपके साथ एक साथ दो मैंने ये रेसिपी आपको बताई है, इसे आप लोग दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और इसे हम तेल अच्छे से काफ़ी निकाल लेंगे, और फिर हम इसको निकाल कर अलग रख लेंगे। इसी तरीके से हमें बाकी जो क्या कहते हैं बॉल हमने बनाई हैं, उनको भी हमें डीप फ्राई कर लेना है। ध्यान रहे आपको तेज आंच में बिल्कुल भी नहीं इसे आपको फ्राई करना है, मीडियम आंच पे करना है, ताकि काफ़ी अच्छे से अंदर तक ही पक जाए, ये नहीं कि कलर चेंज हो जाए ऊपर से और अंदर से पके ना। तो हमें अच्छे से अंदर तक ही पकाना है, ताकि जब इसका आप मंचूरियन खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। तो यहाँ पे इसी तरीके से बाकी हम बॉल को फ्राई अच्छे से कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली भी बॉल भी काफ़ी अच्छे से भुन गई है, मीन्स मैंने फ्राई कर लिया है, सॉरी। तो इनको फ्राई करने के बाद अब हम बनाएंगे मंचूरियन, तो इसी तेल में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे तेल काफ़ी ज़्यादा है, तो हम तेल को बिल्कुल निकाल देंगे। यहाँ पे करीब हम 2 टेबल स्पून लेंगे, क्योंकि मुझे ऑयली बहुत कम पसंद है, तो यहाँ पे मैं तेल की क्वांटिटी बहुत ही कम रखूँगी। थोड़ी सी मैं अदरक डालूँगी, प्याज डालूँगी जो मैंने पेटल्स वाले काटे थे, और लंबी वाले जो मैंने कैप्सिकम कट किए थे उनको डालकर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है। तो इसे आप तेज़ आंच पे ही कीजिएगा, क्योंकि जितना भी चाइनीज़ फूड होता है उसे हमें हाई फ्लेम पे ही हमें उसे बनाना चाहिए, और हाई फ्लेम पे थोड़ा सा बनाने पे स्मोकी टाइप का फ्लेवर आने लगता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इसे हमें बिल्कुल पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा इसे हमें करना है, ट्रांसपेरेंट टाइप का हमारा अनियन हो जाए और हल्की सी कैप्सिकम पक जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये हो गया था, तो मैंने 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस डाला है, साथ में हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को पानी में अच्छे से भिगो कर रख दिया था, इस तरीके से उसका गोल बना लिया था। साथ में हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है, करीब 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे विनेगर डाला है,
और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर है यूज़ हुआ है, तो कॉर्नफ्लावर को भी हमें अच्छे से पकाना है। तो थोड़ा सा आप पानी को एक्स्ट्रा रखिएगा। तो करीब हमने यहाँ पे हाफ कप पानी का यूज़ किया है, साथ में इसमें हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालें, साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम ब्लैक पेपर पाउडर डालें, क्योंकि ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन सबको डालकर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्ट डाल देंगे, जिससे क्या कहते हैं इसमें भी हल्का सा नमक का फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लगभग पक चुका है। अब इसमें हमने जो सोया चंक की बॉल बनाई थी उनको हम इसमें डाल देंगे एक एक कर कर, और थोड़ी सी मैं बचा ले रही हूँ, मैं चाय के साथ खाऊंगी, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा अपने लिए अलग से रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, पर इस तरीके से जब भी मैं बनाती हूँ मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये सोया चंक का मंचूरियन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग बताइएगा इसे कब फ्राई करने जा रहे हैं। मैं इसे बढ़िया सा जल्दी जल्दी गर्म सर्व कर लेती हूँ और फिर मैं ट्राई करके बताती हूँ ये कैसा बना है। देखने में बिल्कुल भी रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है और खाने में बिल्कुल वही फ्लेवर है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये घर में बनाया हो है। तो अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने लिए ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको खाकर बताती हूँ ये कैसे। काफ़ी अच्छे से अंदर से देखिए पक चुका है और ये बहुत ही बढ़िया सा यमी सा तैयार है। मैं तो इसे ट्राई करने जा रही हूँ, आप लोग बताइएगा, और आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए। जब तक बना रही है तब तक आप लोग ऐसे ही ट्राई कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया हेल्दी वाली, जो हेल्दी भी हो साथ में प्रोटीन से भरपूर हो, वो रेसिपी लेकर आऊँ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।